दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस के एक ऐतिहासिक शहर डंकर्क के बारे में। हालांकि इस विषय पर एक फिल्म बन चुकी है द डंकर्क, जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। क्रिस्टोफर नोलन द डार्क नाइट, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी बेहतरीन मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। द डार्क नाइट के जोकर हीथ लेजर की भी लोकप्रियता का पूरा श्रेय क्रिस्टोफर नोलन को ही दिया जाता है, इसलिए उन्हें फिल्म जगत का आइंस्टीन भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मेरा नाम है विकास, मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाबा पर, तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। असल में डंकर्क नाम के एक शहर में एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन को डायनामो का नाम दिया गया, जिसके तहत वहां फ्रांस और ब्रिटेन के लगभग 3 लाख सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया। आखिरी वोट 4 जून 1940 को निकली, लेकिन फिर भी लगभग 40,000 फ्रेंच तथा 40,000 ब्रिटिश सैनिकों को जर्मनी ने अपने कब्जे में ले लिया था। इन युद्ध बंदियों को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, इन्हें नाले का पानी पिलाया जाता था तथा सड़ा हुआ खाना खिलाया जाता था। इन सैनिकों को जबरन गाड़ियों में ठूस कर पोलैंड ले जाया जाता और उनसे वहां बेजबरन खेती कराई जाती। 20 मई को जब ब्रिटिश सैनिक चार्ली व्हाइट पकड़े गए तो उनसे भी यही सब कराया गया। चार्ली के कई साथियों को बेजबरन गोली मार दी गई और उन्हें सड़क के किनारे दफना दिया गया। चार्ली की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो सिर्फ मरे नहीं, आखिरकार उन्हें कुछ सैन्य बलों ने बचा लिया। इसी बीच फ्रांसीसी सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस कारण फ्रांस ने अपने 24 डिवीजनों को खो दिया था। महज 18 दिनों में जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। अब हिटलर के सामने सिर्फ ब्रिटेन खड़ा था। हिटलर के पास ब्रिटेन से युद्ध करने का पूरा प्लान था, लेकिन हिटलर ने इंतजार किया। फिर भी जर्मनी ने ब्रिटेन में काफी मात्रा में हवाई हमले करवाए। अब बात करते हैं द डंकर्क फिल्म के बारे में। यह फिल्म आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इस फिल्म को समझने के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं है, आप फिल्म से बिल्कुल जुड़ जाते हो अंत तक, यही इस फिल्म की खासियत। 3 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित यह फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यदि विश्व युद्ध के एहसास को आप बहुत करीब से देखना चाहते हो तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है। यह एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए। बाकी और भी ऐतिहासिक फिल्मों की कहानियों को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हम ऐसे ही समय का सही उपयोग करते रहते हैं। धन्यवाद।